सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आप लोग कैसे होंगे? सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइज, ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं नए दिन के साथ। आज हमारे शनिदेव का दिन है और सभी को शनिदेव अच्छा फल दें। और आज मैं जाने वाला हूँ एक मस्त सी जगह पे, वो भी आपके अपने बागेश्वर, मतलब बागेश्वर जाने का एग्जैक्ट प्लान बना, नहीं तो हम कल जाने वाले थे, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं क्योंकि जो प्रोग्राम है कल से हैं कह रहे हैं, बट अभी मुझे आज ही निकलना पड़ रहा है। अभी करीब 11:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे निकलना है और मिलते हैं आपको। और काफ़ी जल्दी हो रही है और इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल भी रहा हूँ और काफ़ी लेट भी हो रहा हूँ। मिलते हैं आपको आगे राइड में, ठीक है? सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं गाइस भीमताल, और काफ़ी ठंड लग रही थी हल्द्वानी में, बट यहाँ काफ़ी अच्छी धूप आई है, हल्की बहुत, बट धीमी धीमी अभी धूप। और पहुँच चुके हम भीमताल गाइस। चेक दिस आउट, थोड़ा सिनेमेटिक चेक कर लो गाइस। सो गाइस, चलते हैं आगे की राइड, शुरुआत करते हैं। और यार काफ़ी थकाई लग गई यार आज, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, थोड़ा भीमताल आते ही थकाई लग रही है, पता नहीं कैसे। चलते हैं, मिलते हैं आपको, ठीक है? सो फाइनली चेक दिस आउट, ये है नीम करौली महाराज जी का मंदिर, और हम पहुंचने ही वाले हैं गाइस नीम करौली महाराज जी के मंदिर पे। और काफ़ी टाइम बाद आए हैं यहाँ नीम करौली महाराज जी के, और हमने कहा रास्ते में जा ही रहे हैं बागेश्वर, हमने कहा रास्ते में हैं तो दर्शन कर ही लेंगे, अपने रास्ते में पड़ता ही है। और गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है, आज लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। बारह महीने पूरे जाम ही लगे रहता है। हमारे बाबा इतने निराले हैं, सब सबके प्यारे हैं, तो भीड़ की नहीं लगेगी यार। जय हो बाबा की, नीम करौली बाबा की जय हो। श्रद्धालु की भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा ही है भाई। मालिक मालिक गाड़ी में एक लिखा है, ज़्यादा बोलना हानिकारक होता है, कम बोले और मीठा बोले और धन्यवाद। पहाड़ों का मौसम इतना अच्छा हो रहा ना गाइस, इतनी गर्मी हो रही है और थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी भी है, बट लेकिन काफ़ी धूप आ रही है ना, इतना मस्त हल्द्वानी में ऐसा माहौल हो रहा है। नहीं कोहरा आया हुआ है ना, आज थोड़ा बहुत खुला था हल्द्वानी में, बट वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है हल्द्वानी में, और यहाँ काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है पहाड़ों में। पूरा डैमेज पड़ेगा ये भैया, और जाम ऐसा लग रहा है ना भाई, बहुत तगड़ा जाम। ये देखो भाई, जाम ही जाम लगा हुआ है, तगड़ा जाम, क्योंकि रास्ता हर जगह पे टूटे हुए हैं ना गाइस, यार आते आते तो फिर यार टाइम ही लग रहा है। ये जाता है रानीखेत को, ये जाता है अल्मोड़ा को, सर गाइस हम जाएंगे सीधे अल्मोड़ा को, मिलते हैं आपको आगे सीधे अल्मोड़ा। फाइनली हम अल्मोड़ा पहुँच चुके हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है, उल्टी तो नहीं हो रही तुम्हें? तुम्हें क्योंकि उल्टी आती है बिल्कुल, बाइक में तो नहीं आ रही, गाड़ी में तो आती है इसे उल्टी, पता नहीं गाइस गाड़ी में थोड़ी आवाज़ आ रही है टिक टिक, तो चेक करा रहे थे कहीं भी आगे कहीं दिक्कत ना हो, इस चक्कर से हम थोड़ा, क्योंकि लॉन्ग अल्मोड़ा तक पहुँच चुके हैं ना, तो टक टक आ रही आवाज़, थोड़ा दिखा देते हमने कहा चैन सॉकेट से आवाज़ आ रही, टक टक टक। हमें यह देख लो यार, एक मिनट में गाड़ी की ट्रायल लेके ना, खाली बताना है क्या काम है, तो आज फिर आपकी गाड़ी देखें। ठीक, गाड़ी का जो चैन सेट होता है वो पूरी ख़राब हो चुके हैं, आते आते टक टक आवाज़ आ रही थी अल्मोड़ा पहुँचते पहुँचते, फिर मैंने कहा दिखा लेता हूँ आगे कोई दिक्कत ना आए करके, तो सही करवा रहे हैं भाई, ठीक है। भाई साहब ये कांड हो गया आज, पैर ही खुल गया गाड़ी का, पर चैन सेट पड़ेगा गाइस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आधे रास्ते में हमें दिक्कत हो सकती थी, तो हमने कहा पहले ही चेक करा देते, तो मुझे आज जल्दी इमरजेंसी निकलना पड़ा ना, इस चक्कर से मैं आना पड़ा, क्योंकि कल तो बड़ी दिक्कत हो जाती, नहीं तो कल आता तो लेट हो जाती, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं था बागेश्वर आने का, रनिंग मिले में, तो इस चक्कर से मैं तभी आया हूँ, और थोड़ा दिक्कत दे ही रही थी चैन सेट, तो मैंने चैन सेट डलवा। पानी की बोतल दे देना, पानी की बोतल, थैंक यू। सो गाइस फाइनली हो चुका है हमारा काम, और जो चैन सॉकेट है सारा पड़ चुका है,
भैया थोड़ा टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं, थोड़ा चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रॉकेट भाग रहा हूँ सही है। चलो फिर यहाँ पे स्टैंड में लगा। तो फाइनली यार दे दिए हैं पैसे, अब निकलते हैं गाइस, काफ़ी लेट हो चुकी है, इस साल थोड़ा पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे तो साला जाम ही जाम लग रहा है, बड़ा पुल बनना है भैया। कैसा आदमी है पता नहीं, सॉरी। रास्ते में भी ऐसे ऐसे कांड हो जाता है यार, अगर कोई होता तो ठोक ही जाता क्या। वो तो मैं उसको देख देख के मोड़ रहा था गाड़ी, अगर मैं उसको देख देख के नहीं मोड़ता ठोक देता हूँ। इनका बिना इंडिकेटर दिए हुए अभी ठुकते ठुकते बचे थे जब पहले, और सॉरी कह रहा यार। सॉरी क्यों बोला पता है उसने, कैमरा देख के कोई होता जा कहता सीधे, कहता नहीं कहता होता सॉरी कहने का, कैमरा देख के कह रहा भाई सॉरी। पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा, चेक दिस आउट गाइस, ये है अल्मोड़ा की सिटी, ऐसी हो चुकी है अल्मोड़ा की सिटी। घर वालों का गोल भी हो गया, गाँव मौजी हुई हो। यहाँ जंगल में पूरी आग लग चुकी है भैया, सोमेश्वर में पूरे जंगल में आग भैया। भाई यार जंगल में पूरी आग लग चुकी है ना, पूरा जंगल जल चुका है भाई सोमेश्वर में पूरा। प्लीज़ यार ये आग को बुझाओ, आप लोग भी से यही निवेदन है प्लीज़, जंगल में आग आग ना लगाए भैया। जंगल में एक मार्ची सी बिल्ली भी छोड़ देता है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। चमकनी गुलाबी सरारा नेहा का उल्टी है रे पहाड़ में, उल्टी है रे नेहा का पहाड़ में उल्टी है रे, अब बाइक में भी उल्टी है रे, क्या कहें नेहा से अब रे। नेहा क्या कर रहा है, चले कर रहा हूँ। उल्टी हो चुकी है नेहा को भैया, ताकुला पहुँचते पहुँचते पहले नहीं हुई क्योंकि अल्मोड़ा के बाद ही मोड़ लगते हैं ना, तो पेट वहीं से घूमता है, अल्मोड़ा तक तो मजे हैं। है तो जल है, जल है तो जीवन है। गाइस काफी लेट हो चुकी है और पहुंच चुके हैं ताकुला ताकुला ताकुला, यही खाना खाते हैं खाते हैं खाते हैं क्या नया। भाई ताकुला में जाम लगा दिया ने, अभी 6 बजे तक हम पहुंच गए होते, हमारी अगर वो चैन सॉकेट अगर आवाज़ नहीं कर रहा हो। अच्छा वो चेंज ही करा लिया हमने, नहीं तो अभी रात में वही फंसे थे। सो गाइस आपको स्वागत है बागेश्वर में, बागेश्वर पहुंच चुके हैं आपके यार के भाई। अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, ये देखो मार्केट इतनी सजी पड़ी है। गाइस ये है बागनाथ मंदिर का गेट और ये है बागेश्वर बहुत चीज, मजा आ गया भैया काफी अच्छा है। बागेश्वर की मिठाई रसगुल्ले कर देना है आधा केजी। या 4 चॉकलेट कर देना, 2 लेस कर देना, 20 वाले 4 में। हाँ बर्गर है क्या जी, क्या है कितने का? नॉर्मल वाला आलू टिक्की बर्गर होगा, 40 का है, चीज़ वाला है 80। ठीक है ठीक है, ये ले पकड़ो इसे। अरे पकड़ने में भी इतनी हालत खराब होगी तुम्हारी तो खतरनाक। तो फाइनली पहुंचने वाले हैं अपनी मस्त लोकेशन पे, वो भी अपनी दीदी के घर पे। ये जा रहा है दीदी लोग की पतली पतली सड़कियों से, ये धान यहाँ पे से एक दुकान और पड़ी इसके बगल से राइट को ना, ये तो आते रह रहा हूँ ऊपर ही आ रहा हूँ, काफी चढ़ाई यार यहाँ
कहाँ हो आप? वो दीपक, अंजू दीपक, अंजू अंजू दीपक, आर्मी वाले, आईटीबीपी वाले। यहाँ पे कोई नहीं रहता। अरे गया। पीछे आओ, देख लिया क्या यहाँ पे? नहीं तो इसको हो रहा है, मेरे को तो क्या हो रहा नमस्ते। और बढ़िया? सब बढ़िया। लग गया यार। अरे एक घंटा वहाँ लग गया खाली फालतू का। अच्छा, अगर वो पहले ही मैंने परसों चेंज करा दिया तो ठीक रहा, कट कट कर रहा था। अरे तो मैंने चेंज ही करा दिया। अरे यहाँ पे फिसलने वाला क्या गिरा है? ये गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हो तुम युग्गू बॉय? ये देखो बाइक, नई नई बाइक। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू बाइक। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो? आओ। सो फाइनली पहुंच चुके हैं अवनी के बागेश्वर। पहुंचे नहीं पहुंचे बागेश्वर? पहुंचे। कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा। अच्छा लग रहा हूँ। तुम कैसे हो? गंदी हो। ये गंदी कहाँ से लग रही बताओ? और ये कौन है? यूपी। यूपी। बाइक हम चलाएंगे हा? मैं चलाऊंगा बाइक, ठीक है? ठीक है यूपी। है अवनी सो चुकी है, शर्मीली लड़की। हेलो, डिनर रेडी हो चुका है, डिनर कर रहे हैं हम। सो फाइनली हम डिनर कर रहे हैं। नेहा तो पहले खाने लग गई है, मेरे को आते ही पहले, मेरे को आने से पहले, और खा के सो चुकी है। यूवी खा रहा है। और क्या क्या बना है यूवी? रोटी और पनीर है ना? पनीर बनाया है, वाह मजा आ गया। तो गाइस खाते हैं, मिलते हैं आपको। क्या कहा तुमने? मेरी फेवरेट पनीर। ठीक है, कैसे हो? बढ़िया है। अच्छा, इतनी हमारे लिए मेहमान मानी क्यों कर रही थी? ज्यादा ज्यादा मेन मेहमान है भाई के आने में खुशी। अच्छा, कल राखी, तुम भी रेस्ट कर लो फिर थोड़ा ज्यादा। अब करेंगे रेस्ट, खा लेंगे तो। चलो खाते हैं, मिलते हैं। ठीक है गाइस, मेरा मुंह देख लो कितना अच्छा है मेरा। चिकन वाले मोमो तो लेके आए। रात के बज चुके हैं 10 और ये सब लोग सो चुके हैं और मैं भी सो जाता हूँ गाइस। काफ़ी थकान लग चुकी है आज। आज हल्द्वानी से आ चुके हैं बागेश्वर के लिए और कल बागेश्वर में है बेला। और मिलते हैं आपको कल के वीडियो में, रेडी रहिएगा कल की वीडियो के लिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।